हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जादूगर के कुमार। आज एक नया मैजिक आप लोगों का सामने दिखाने जा रहे हैं और बाद में सिखा देंगे। ये है बोट का, ये जो बोट के ऊपर एक डाइस बॉक्स बनाया। तो चलिए ये खेल हम दिखाने जा रहे हैं, बाद में आप लोगों को सिखा देंगे। ये है एक डोर, इधर भी एक होल है और इधर एक होल है, इधर भी एक होल है। दो होल आप लोग देख रहे हैं। इसको नाम है 2D डाइस। ये देखिए, इसका अंदर में ये जो डाइस देख रहे हैं, डाइस का कटआउट, ये हम यहां घुसा दे रहे हैं धीरे धीरे। इधर हम घुसा दिया। तो अभी ये डाइस कहां है? अभी ये डाइस इधर है, मगर जब ये हम बंद करेगा, करके बोलेगा एब्रा का डेब्रा, इधर कुछ नहीं है। देखिए खाली एब्रा का डेब्रा, गिली गिली होकस पोकस, देखिए इधर नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। ये देखिए यहां नहीं है, कहां चला है? इधर आ गया। ये देखिए इधर आ गया। फिर जब हम बोलेगा एब्रा का डेब्रा, गिली गिली होकस पोकस, दिखा जाएगा इधर ही आ गया। ये देखिए इधर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, शायद आप लोग देख लिया, जो बोट को हम घुमा रहे और एक ही तरफ है, ऐसी इधर खाली है, हम घुसाया इधर ही घुसाया। मगर बोट को जब एक ही डिजाइन है बोल के, बोट को जब हम ऐसी घुमा रहे तब दिखा जा रहा है इधर, फिर ऐसी ये खाली इधर है। जब भी हम ऐसी घुमा दे रहे हैं तब दिखा जाएगा इधर नहीं है, कारण ये तो घूम गया। तो कहाँ है? इधर है। तो जब भी हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक पॉइंट है, हम इसको पकड़ के बोलेगा एब्रा का डेब्रा, गिली गिली होकस पोकस, एब्रा का डेब्रा, गिली गिली होकस पोकस। देखिए ये भी वैनिश हो गया, ये भी वैनिश हो गया, यहाँ नहीं है, बिल्कुल खाली है। कहाँ चला गया? ये बहुत मजेदार एक गेम है, कहाँ चला गया ये मालूम नहीं है आपको। ये आ गया मेरा इधर, ये देखिए कैसा लगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बस में जो बेल आइकन है वो एक बार प्रेस कर दीजिए, जितना नोटिफिकेशन सभी पहले आपका पास पहुंच जाएगा। तो चलिए इसको ट्यूटोरियल में जाना चाहिए। कैसा बनना पड़ेगा? ये बहुत आसानी से ये खेल आप लोग कर पाएंगे। कैसा? ये देखिए, ये जो बोर्ड है, ये कोई आर्टिस्ट को देने से भी वो कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे। ऐसी साइज का एक तो बोर्ड ले लीजिए, थोड़ा सा मोटा बोर्ड ले लीजिए, आर्ट पेपर भी होने से भी चलेगा, मोटा आर्ट पेपर। इधर एक पीस और पीछे एक पीस, दो पीस हो गया। अंदर में एक बोर्ड को घुसा दीजिए, ऐसी सफेद बोर्ड, इतना दूर तक देने से इधर एक तो स्क्वायर करके काटना पड़ेगा और चारों तरफ ब्लैक कलर, ब्लैक पेंट करना, ऐसी बॉर्डर देना पड़ेगा। ठीक ऐसी इधर भी एक तो सफेद बोर्ड फिक्स करना पड़ेगा, ये बोर्ड और ये बोर्ड का बीच में करके, ये भी एक तो स्क्वायर होल बनाना पड़ेगा, ऐसी स्क्वायर होल और चारों तरफ बॉर्डर दे दीजिए। और ये जो है ये कुछ नहीं है, ये एक ढक्कन है, थोड़ा सा बड़ा होगा,
ऐसी पहले ग्रुप कर लीजिए, इधर भी ऐसी ग्रुप कर लीजिए, ये ऐसी ग्रुप इधर, ये इधर भी एक ग्रुप कट लीजिए, कट के फेंक दीजिए, और चारी तरफ बॉर्डर ऐसी ब्लैक बॉर्डर कर दीजिए, और एक पीस इससे थोड़ा सा बड़ा इतना दूर, जहाँ ऐसी देने से ये कवर हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा, ये डोर का जो एंड ये दिखाई नहीं देगा, ऐसी बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो रहा है? इधर सेलो टेप लगा हुआ है, इधर भी सेलो टेप लगा हुआ है, इसीलिए ये हिंज का काम कर रहा है, मतलब कब्जा का काम कर रहा है, इधर भी ऐसी। तो क्या कैसा इसके बाद ये दो इसका माफिक इसका जो ऐसे आप साइज रखेंगे इसको घुसाने का, ऐसी साइज का थोड़ा सा हल्का करके छोटा कर लीजिए, हल्का, यहाँ से ये आराम से घुस सकता है। देने का बाद ये ब्लैक आर्ट पेपर में ऐसी काट लीजिए, काट के इधर एक दो तीन चार पाँच, पाँच पॉइंट ऐसी बनाइए, डाइस का माफिक लगेगा, अपोजिट में पाँच पॉइंट ऐसी बनाइए, डाइस का माफिक लगेगा, और इधर भी ऐसी, इधर एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच पॉइंट ऐसी बनाइए, और ठीक उल्टा साइड में एक दो तीन चार पाँच, पाँच पॉइंट बनाइए। तो दिखाएंगे कैसा, एक डाइस को जेब में रखिए, कोट होने से इधर भी रख सकता, जैसा हम रखा ऐसी कोट होने से रख दीजिए, और नहीं तो इधर भी रख सकता। इसके बाद दिखाएंगे कैसा, ये जो है इधर भी है ऐसी, ये सीधा ऐसी खुलिए, और इसको, और एक काम है ये हम बोलने से भूल गया, ये जो है इधर स्क्वायर करके काटना पड़ेगा, ये होल का माफिक, ये जो होल देख रहे हैं ये होल से थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसी काट के ये एक तो पीस लगा दीजिए, ये पीस भी थोड़ा सा बड़ा होगा, और यहाँ सेलो टेप लगा दीजिए, ऐसी पकड़ने से ये ब्लैक बोल के समझेगा नहीं, एक ही लगेगा। दिखाएंगे कैसे, ये जो है ये नीचे रहेगा, ऐसी ऐसी घुसा दीजिए, ऐसी घुसा दीजिए धीरे धीरे, मगर थोड़ा होशियारी से घुसाना पड़ेगा, कारण ये कागज का खेल, ऐसी ऐसी घुसा दीजिए, और इसको ऐसी प्रेस करके रखिए, पब्लिक सोचेगा जो आप हाथ से उंगली से पकड़ के रखा, पब्लिक देखेगा इधर है, इसके बाद इसको बंद करके इसको पलटी कर दीजिए, तब पब्लिक सोचेगा इधर है, इधर नहीं है, फिर ऐसी घुमा दीजिए, दिखाएगा तो इधर है, उसके बाद फिर दिखाइए इधर नहीं है, फिर ऐसी पलटी कर दीजिए तो दिखाएगा इधर नहीं है, इधर है, फिर ऐसी घुमा देने से इधर आ जाएगा। कुछ कुछ पब्लिक फॉर्म आप लोग को बोलेगा जो हाँ वो इधर उधर कर रहे हैं, ये तो उलट पलट कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, इसको पीछे ऐसी हाथ को ऐसी पीछे रख के ये भी खाली दिखाइए, और इधर ऐसे हाथ बंद करके इसको उठा के ऐसी दिखा दीजिए, ऐसी जो देखिए हर बार हो गया उंगली इधर नहीं है, इसको ऐसी करके पहले सेट कर लीजिए। तो कहाँ चला गया, अब आप बोलेंगे जो ये तो इधर आ गया, और एक बात ये जो है ऐसी पब्लिक देख रहे हैं ये एक पॉइंट है, इसीलिए जब आप दिखाएंगे
तो आप सीधा करके मत दिखाइए, तब तो पब्लिक पकड़ लेंगे जो इधर है। ऐसी करके ये पॉइंट को थोड़ा सा ऐसी करके इधर जो है ये ऐसी उठा दीजिए, ऐसी डाउन में भी आप रख सकता, ये ऐसी भी आप रख सकता, ऐसी भी रख सकता, ऐसी भी रख सकता, ऐसी भी रख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। मगर जब भी आप दिखाएंगे, फाइनल दिखाएंगे, तब हाथ बंद करके इधर इधर बंद करके पहले इधर दिखा दीजिए, उसके बाद इसको ऐसी बंद करके इसको खुलिए, खुल के ऐसी उंगली घुसा दीजिए, इधर भी उंगली घुसा दीजिए ऐसी। तो पब्लिक यही सोचेगा जो ये तो छेदा नहीं था, अभी कैसा उंगली घुस गया, वही है मैजिक। उसके बाद ये बंद हो गया, और ये जब बंद करेंगे तब हाथ को ये इसको कवर करके इसको सेट कर दीजिए, ऐसी घुमा दीजिए, मैजिक हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।